भाई भोली ओए 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 भोली कहा। थोड़ा मैं बोर हो रहा था घर पे, एग्जाम एग्जाम आने वाले तो काफी टेंशन हो रही थी, तो दोस्तों ने बोला चलो चिल करते हैं, तो इसलिए मैं आ गया दोस्तों के साथ। पूरी टीम आ रखी है, टीम आ रखी है पूरी। डायरेक्टर साहब आप जानते हो, डायरेक्टर साहब ये रे, पूरी टीम आ रखी है आज के दिन, तो आप देखते चलो आगे आगे होता क्या है। आप क्या करके आए हो हाँ तो भाई क्या सीन है? मैं यहाँ बैठा हूँ देख रहा हूँ इनको, आज मैं बना नहीं रहा वीडियो, आज मैंने भाई को कैमरा दिया है वो शूट कर रहा है ब्लॉग, और मैं खाली बैठ के देख रहा हूँ ये क्या क्या हरकत कर रहे हैं। हम ब्लॉगिंग के लिए हैं और इनके टिकटॉक टिकटॉक बन रही है और फोटो खींच रही है, बाकी देख रहे हो बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है, आपको दिखाऊंगा। अगर आप गुड़गांव से हो तो आपको पता लग ही जाएगा, नहीं मतलब आसपास की जनता को पता है, पर गुड़गांव वाले खास करके आप लोगों को लोकेशन बहुत ही पसंद आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी तो आगे चल रहे हैं, वैसे तो इतना ही कुछ खास है नहीं यहाँ पर, आगे है ना एक नंबर सेक्सी सी, आगे आपको दिखाएंगे एकदम बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन। ओ भाई कितने सिलेंडर का इंजन डलवा रखा है इसमें। तो गाइस अब हम जा रहे हैं आगे, ये देखो मुझे छोड़ के एकदम फरार हो गए बाइक से, ये सब ऐसे कैच चल रही है, देखो मेरे ड्राइवर आ गया यहाँ। सबसे मलूक लौंडा ये बन के आया भाई, सबसे मलूक लौंडा फुल स्वाद आ रहे हैं, मजा आ रहे ना भाई, मजा आ रहे हैं। हाँ भाई एक नंबर ये तो मलूक आ रहा है आजकल आईफोन। Shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're superhero. अब भाई ऊपर गए वो। अब देख ले भाई नील गाय वगैरह ना पड़ जाए तेरे पीछे, नहीं भगना भारी हो जाएगा। बाकी अब ऊपर जा रहे पहाड़ी पे चढ़ाई करेंगे, अभी कितना 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 बज रहे हैं, अभी टाइम कितना हो रहा है, बढ़ गया तब पता क्या होगा, टाइम कितना हो रहा है, 5 बज गए। टाइगर पीछे अब जा रहे भाई ऊपर, पीछे बढ़ गया तो भाई गांड में बुड़का लगेगा सीधा, धीरे धीरे आइयो। 3 टिकटॉक बना रहा है यहाँ पे, अपने पीछे ले ले से कच्चे में। टाइगर आ गया रे जल्दी, बैंगन आ गया, टाइगर आ गया, सबसे पहले तेरी बेटे तो लुल्लू आ जाती, सबसे पहले तेरी फटके। तो यहाँ पे नील गाय भी है, सच्ची में भाई, सच्ची में सब चीज है भाई, सांप भी निकल सकता है, कुछ नहीं पता। तो भाई ट्रैकिंग चल रही है। हाँ तो भाई आगे क्या क्या देखोगे? भाई बहुत बड़ा है तो सारे साथ में रहना है, सबको साथ में रहना, कभी एक अलग जा रहा है एक अलग जा रहा, साले घर जाके फोन करे भाई कहाँ है, नेटवर्क भी नहीं आते, कैमरा नहीं फिर नहीं मिलने वाला, नहीं ब्रो उन्हें एस्टेस कर। तो भाई हमें यहाँ काफी सेफ रहना पड़ेगा, हाँ मैन वाइल्ड है तो काफी सेफ रहना पड़ेगा, और क्या बाहर आ गया तो क्या बोल रहे हो, मनाली की वादियों में हम सारे, बर्फ पड़ने बाकी है अभी। तो आप इस भाई को मिस कर रहे थे व्लॉग्स में, तो देख सकते हो यहाँ पे आज आ चुका है, लौंडा पूरा खुश है। मनीष वॉइस स्टोरी बताइयो, बादशाहपुरम बाग आने वाली भाई। तो ये है अपने भाई, ये बोल थोड़ा, अच्छा बात ऐसी है, ये है बात बादशाहपुर की, दरबारीपुर की, राधा कृष्ण मंदिर के साइड में, तो वहाँ पे थी दोपहर के साथ 4-5 बजे के बाद की बात है, वहाँ पर एक बाघ था, वो बाघ पता कैसे चला कि एक बंदे पे उस बाघ ने अटैक कर दिया, और एक्चुअली बात ये थी उसे खा गया था यहाँ पे, हाँ उसके खा इसके पेट में खा गया था, और यहाँ पे सीने में मतलब जो पंजे वंजे लगे होंगे वो लगे होंगे,
तो वो बाघ एक्चुअली यहीं से आया था। बाद में जब पता चला कि बाघ कहाँ से आया तो बाघ यहीं से आया था, ये चंद्रशेखर से ही। पर वो बाघ था एक्चुअली, मतलब बच्चा ही था, कहा जा सकता है कि बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, पर वो यहीं से ही आया था। तो उस बाघ को वो तो खुदा का खास्ता है कि किसी ने देख लिया, पकड़ लिया बड़ी आराम से, क्योंकि वो पिंजरे में अटक गया था। जहाँ वो मुर्गे वुर्गो का पिंजरा नहीं होता, जाल होता है जो एक बंदे पटक कर दो बंदे पे, एक बंदे कर था ना, एक बंदे के पेट में कर दिया था, एक बंदे के वो मार दिया था, पंजा मार दिया था। उसके बाद वो भटके चला गया, वो जाल में मुर्गे जो जाल होता वहाँ पे अटक गया। उसके बाद किसी ने कुछ कहा नहीं, जिनको अटक करा था वो बचे की नहीं, बच गए थे, पर वो हो जाता है ना, हालत बुरी होगी थी उनकी, सीरियस थे वे, तो उसको भाई पकड़ पकड़ के, उसके बाद वो रेस्क्यू टीम होती है, रेस्क्यू टीम को फोन करा भाई, उसने तो पूरे बादशाहपुर में उधम मचा दिया था, एक तरफ उधम, उसके बाद तो मचाया ही नहीं उसने उधम की, वो सुकर वो थोड़ी सी गया, बैठ तो गया था, पर उससे पहले छत पे गली वली में कैसी होती है, अगर वो चाहता अगर भाग जाता तो किसी को भी ज्यादा सीरियस इंजरीज हो सकती है, या पता किसी को जान वान का भी खतरा हो सकता था। पर वो तो चलो अच्छी बात है कि ज्यादा बात नहीं हुई, पकड़ा गया आराम से, फिर उसको फरीदाबाद में छोड़ दिया। तो फरीदाबाद की पहाड़ी में छोड़ दिया है, अगर आपको देखना है तो वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे चले जाना रात को, ये सारे अपने भाई लोग। बाकी जो स्टोरी बताई थी बाघ वाली वो सच है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं क्लिप ऐड कर दूंगा ब्लॉग में, और बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बजे सूचना मिली थी कि बादशाहपुर में कस्बे में घर में एक तेंदुआ घुस आया है, जिसकी सर्चिंग के लिए हम आए थे। मौके पहुंचकर हमने फॉरेस्ट की टीम को भी सूचित किया है, वो मौके पे आए और सबकी कोशिशों से हमने और यहाँ के लोगों का बड़ा साथ मिला, हमने उसको पकड़ लिया है और भिजवा दिया उसको। एक जो घायल भी हुआ है, हाँ, भागते समय उसने एक बच्चे को पंजा मारा। और सुनो और स्टोरी बता रहा है, और स्टोरी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डर है वो है नील गाय का। नील गाय एक बार पीछे पड़ गई तो पड़ी गई, पड़ गई तो भाई भाग लेना, नहीं पड़ेगी झुंड में तो नहीं पड़ेगी, जैसे कोई एक बंदा आगे पीछे हुआ ना, एक या दो के पीछे ही पड़ती है, पर जे पड़ गई ना भगना भारी पड़ जाता है, भगना भारी पड़ जाएगा भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा गाली देता है भाई, देखो इसे कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़ गाली देने वाली कोई बात नहीं, मतलब वैसे कोई बात नहीं, गाली देने से कोई आदमी बुरा नहीं होता, पहली बात है इस बात को। ये भाई ये अपने मनोज वाजपेयी बोल गए, बता बता। तो भाई गाली एक भावना है, सही कहा भाई ने, गाली एक भावना नहीं है, मतलब दोस्त यारी में तो चलती है थोड़ी बहुत, तो बस मतलब मजा लो, बस आप एंजॉय करो जिंदगी में, मौज लो, कुछ नहीं तरह बात में, दो तीन दिन रूस के बैठ के ये कर लिया फलाना निमकाना, मौज लो अपने जिंदगी जी, एक नंबर की और क्या, एक ही जिंदगी है अपना, खूब मौज लो, जो मन करे वो करो, पर गलत चीजों में नहीं जाना, बाकी वैसे खूब मौज लो। सेठ जी हमारे कुछ कहना चाहते भाई? नथिंग, मैंने कही थी ना तेरे से चप्पल पहन के मता, चप्पल पैर का है मैंने चप्पल पैर का मता है यार भाई, बहुत दिक्कत होती है। ओहो हनी सिंह जंगलों में हनी सिंह, हाँ भाई कुछ कहना चाहते हो? यस, बताओ फिर। तुम लोग अकेले निकल गए, तू भाई वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है, बच्चों की जान लोगे क्या? तो भाई ये देखो कांटे वाटे देख सकते हो आप, तो मैं हाथ लंबा करके व्लॉग शूट कर रहा था अभी, और हाथ पे लग चुका है, हाथ पे कांटा लग गया है, तो शूट नहीं कर पा रहा उसकी वजह से मैं, कोई बात नहीं भाई। बाकी सनसेट देख सकते हो आप कितना प्यारा आ रहा है, ये देखो एक नंबर सीन, ये देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। काफी लोग टाइम से आप लोग मिस कर रहे थे, तो भाई बताओ क्या रीजन थे? भाई मैं कहीं पे गया हुआ था, भाई कहीं पे गया था, फिर हम फोन करते तो भाई कहता भाई मेरे को टाइम नहीं है, मेरे पास मैं कहीं बाहर हूँ, कभी कुछ इसी रीजन की वजह से आपने दो तीन वीडियो में इसको मिस करा है, बाकी अब अगले वीडियो से लगातार आएगा भाई, मलुक भी आ रहा है तो। सीन हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुका है, ये देखो सनसेट, बाकी और ऊपर शूट करेंगे उसको, देसी कैक्टस आएगा, खाते हैं इसको? हाँ पता नहीं भाई, तेरा अलग ही सिस्टम है, मैं भी ट्राई करने वाला।
भाई तू तो टूरिस्ट गाइड रहा, तू ऐसे कर रहा है, बता ही नहीं तेरे को कहाँ जाना है। टूरिस्ट भी भाई इंसान रहे, अमर भूल गया रास्ता भाई, भूला भटका तो भाई ये भी ये डेली है घूमता है, पर ये आज खुद भटक चुका है। तो गाइस घूम घूम के अब दोबारा नीचे, ओ सारे यहाँ से तो हम गए थे वापिस ऊपर, यहीं से तो ऊपर गए थे ना साले, बड़े दूर से लाया है साले, वही चीज है सेम बिल्कुल। आगे से जा, यहाँ से जा, कान इधर से पकड़, ये इधर से पकड़, सारे कान तो पकड़ेगा, हाँ रहन दे तू, मेरे हाथ बढ़िया लंबे, कानून वाले हाथ, कानून के हाथ लंबे होते है, कानून के हाथ लंबे होते है। तो भाई मेरे हाथ में लग गई, वो लोग शूट कर रहा था तो हाथ ऐसे कर रखा था मैंने, तो कांटे में लग गया, तो अब मैं नहीं कर रहा शूट, ये भाई करेगा शूट, है ना, तो ये भाई। तो गाइस जैसे वर्द बता रहा था उसके हाथ में लग गई है, तो अब मैं कर रहा हूँ व्लॉग शूट, इसे देखिए टोपे को। सो गाइस तो ये वाला सीन देखिए कितना कैडा सीन लग रहा है, मैं दिखाता हूँ अभी। क्या हाल है? बढ़िया। देखिए उत्तर आदमी एक खाया था गेनर मसल ब्लेज का 3,500 रुपए का, और कुछ असर नहीं करा, ये देखो पैक्स निकल चुके बस, और इसने और इसने दोनों ने 6,000 रुपए फूक दिए गेनर के चक्कर में, पर असर नहीं हुआ, अब नया गेनर लाने की फिराक में है। बात कर दिया असर देख रहे हो, छाती कट देख रहे हो, गेनर दो गेनर का असर देख रहे हो, कटिंग देख छोरे की, अरे ओ ठंड लग जाएगी, ठंड मान जाओगे लुंडे भाई, इतने धीरे धीरे आने का राज क्या है, क्या ये आम पापड़ दियो दियो, बढ़िया लगते हैं गाइस। मैं ना आपको एक चीज दिखाऊंगा, पता है क्या, कोरा चून, कोरा चून पता क्या होता है, अभी दिखाऊंगा कोरा चून। सो गाइस कोरा चून है ये, धरती से बोझ है, धरती से बोझ, दिखाना शरीर दिखाना अपना, हाँ दिखा उतार, नई शर्ट लेगा साल मेगा मार्ट से भाई साहब, कह रहे थे ना कोरा चून, कोरा चून और मदीरा, मदीरा चल चल, दिक्कत कहाँ आ रही है, चल ही रही है। तो एक बंदा हमारा आगे है, उसके चिपट चुका पिसाज, पिसाज चिपट गया है यार, उल्टी पुल्टी हरकत कर रहा है, दिखाता हूँ आपको, टोपी वाला इसके पिसाज चिपट चुका था अभी थोड़ी देर पहले, जुराब सुंघाई है इसके, जुराब सुंघाई है, तीन दिनों से धोई नहीं थी, वारी जुराब सुंघाई है, आईफोन क्या दिखा रहा है, हमारे पास भी है। लद्दाख ये वाला रास्ता, दलो जी रास्ता कनाडा, ओहो कनाडा, कनाडा बीचो मौज कटनी सी, दिस इज द मेन गेट ऑफ लद्दाख, तो हम मेन गेट पे खड़े हैं और वेलकम टू लद्दाख, और आप एक्चुअली जहां खड़े हो आप वहां खड़े हो वो है राम झूला, राम झूला, राम झूला। तो गाइस हाथ में लग चुकी है, फिर मैं व्लॉग शूट कर रहा हूं क्योंकि भाई ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बताई, नो पेन नो गेन, तो ऐसे ही मैं आगे ब्लॉग शूट करता रहूंगा। तो हॉल्टेड है, डेंजरस लोकेशन है, तो ये हड्डी है देख सकते हो आप, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप पागल ही बना रहे हैं, कितना दिखाऊं मैं यार, ये वीरान लोकेशन है बिल्कुल, हम मुखा था पिसाज अभी थोड़ी देर पहले, तो ये अभी हड्डी चूस रहा था नीचे बैठे बैठे, पता नहीं किसकी हड्डी चूस रहा था, कह रहा था आमी जे तुम्हार प्रभु जे तुम्हार नाचन लगा छिन 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 छिन, भाई ये लोकेशन बहुत ही, ये लोकेशन बहुत हॉन्टेड टाइप की यार, ये देख है। ये देख भाई पांव है, पांव की हड्डी है किसी का। तो भाई यहाँ पर जितने बंदे खड़े हैं, अब भाई अपने साथ जितने भाई आए हैं सारे अपने रिस्क पे आए हैं सब अपने जान के मालिक, रिस्क पे आए, रिस्क करके आए, सभी सबने एग्रीमेंट साइन करा है जब आए, डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर तो साला पागल है, ओए इसका चल रहा है ग्रह है, भाई हमें नहीं पता यहाँ कुछ भी, यही है यहाँ हमारा टूरिस्ट गाइड, ये बहुत घूमता है दिन रात घूमता रहता है, तो इसको पता है कहाँ क्या चीज है, तो इसीलिए इस बंदे को हम साथ लेके आए, 50 रुपए एक टाइम पे ऐसी जगह खड़ा कर दूंगा कि तुम कह सकते हो कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, घर से आ चुके हम बहुत ही ज्यादा दूर, घर से कितनी दूर है, हम घर से इतनी दूर है
मैं यहाँ से तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे, मैं आपको दिखा दूँ, अगर आ रहे हो क्या पता या नहीं आ रहे हो, कम आ रहे बिल्कुल, अगर आपको दिख रहा हो तो जियो और एक डंडा आ रहा है बस। नुकारा मेरी फल्टी तरह की स्टोरी सुनने की लग रही है। और क्या यार भाई, आप टूरिस्ट गाइड जो हमारा है उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? ये कैसा टूरिस्ट गाइड, 50 रुपए कैसा टूरिस्ट गाइड? बकवास बकवास एकदम घटिया। कहा था ना कि मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखा दूंगा कि तुम इस जहाज से उस जहाज को देख सकते हो, तो मैंने महसूस किया। भाई 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 क्या हुआ भाई, अरे देर बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी मां का। देखो ये स्टोरी बना रहा है, इंस्टा स्टोरी, इसलिए नहीं चढ़ रहा है, ये केयर करता सबकी, ये सब केयर करता है, ये दीवारों चढ़ेगा दीवार टूट जाएगी, कई चिड़िया उड़ नहीं सकती। तो ये भाई ये वाले भाई बाद में छोटी मोटी भाई मरने का नाम मत ले, एक नंबर लोकेशन है और व्यू जो है ना व्यू एकदम गजब सेक्सी आ रहा है, कती खतरनाक। तो कमेंट कर बताना व्यू कैसा लगा और बाकी बता देना सब चीज, और व्यू दिखाते हैं आपको व्यू फटाफट। भाई हमारे दो बंदे हो चुके हैं गुम, टिकटॉक स्टार दोनों गुम हो चुके हैं। क्या हुआ, कहाँ हो तुम? लोकेशन लाइव लोकेशन भेजे ना व्हाट्सएप पे। भाई आवाज कट रही है तेरी, कह रहा तू नू कह रहा नशीला हूँ रे, नशीला पदार्थ हूँ मैं। ये देखो फोटोशूट, सारे बंदे कुछ ना कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं अपनी, सारे कॉलोनी के लड़के, कोई कुछ ना कुछ प्रक्रिया कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है पर हम वो बता नहीं सकते कौन क्या कर रहा है। अंदाजा हड्डियों को देख के लगेगा, हड्डियां पड़ी होंगी तो हम सही जा रहे हैं, अगर कोई ले गया हो चूस चूस रहा हो हड्डी वो नहीं पता फिर, बाकी अंधेरा होता जा रहा है, हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ से निकल रहे। हाउस द टूर ब्रो? नाइस बढ़िया भाई, अब यार तो भाई अब ये भाई दो रास्ते हैं, इधर जाना है वो तो पता नहीं भाई, भाई अभी पहुँच के पता लगेगा जब ऊपर चढ़ेंगे, जब पता चलेगा कि भाई ये वाला रास्ता नीचे जाता है, ये वाला रास्ता नीचे जाता है। भाई अब की बार तो लद्दाख घूम के आ रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट तो भाई हम जो कट आपको दिखाया था, हमने एक कट लद्दाख की तरफ, तो लद्दाख वाले में गए थे हम, एक डलहौजी तरफ और एक कौन सा था, कनाडा। तो भाई कनाडा बताओ अगला ब्लॉग, तो कमेंट कर बताना डलहौजी अगला ब्लॉग कहाँ शूट करना है, कनाडा डलहौजी या लद्दाख। लद्दाख तो हो चुकी है, बुरा सा जा रहा कनाडा डलहौजी लद्दाख। तो अब जा रहे हम नीचे, वैसे अंधेरा हो रहा है देख सकते हो आप धीरे धीरे, तो ये लोकेशन ठीक नहीं है, रात में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी घट सकता है हमारे साथ। तो हम जा रहे हैं अब नीचे जहाँ पर बाइक वगैरह सारी खड़ी हैं अपनी, तो फिर निकलते हैं घर के लिए। घर के फ़ोन भी आ रहे हैं और यहाँ नेटवर्क वैसे नहीं आ रहे, दो मिस कॉल आ चुकी है घर वालों की, और इस भाई का तो पापा का फ़ोन भी आ गया। तो जहाँ तक है आप लोग को ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। नाइट स्टे करने के लिए जगह बहुत अच्छी है, नहाने के लिए होती है, ट्यूबवेल वूबेल मोटर फोटर सब सिस्टम सेट है, 5-star रेटिंग है इस होटल की, आप ओए पर चेक कर सकते हो। बाकी जो अपने रिस्क पर रहेगा वो यहीं रहेगा, हमारी कुछ गारंटी नहीं है इस चीज़ की। बाकी जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो अपने दो भाई नीचे पहुँच चुके हैं, हमारा वेट कर रहे हैं टिकटॉक स्टार जो आप देखा था, हनी सिंह वो नीचे है, बाकी ये आ रहे पीछे चार बंदे और दो बंदे और पीछे हैं, शॉर्टकट है बेटा, खो गए ना तेरा शॉर्टकट निकाल दूंगा मैं। तो फाइनली बहुत ही घूमने के बाद भटक भुटक के नीचे आ गए हम, जहाँ से स्टार्ट कर रहा था वहीं शॉर्टकट लेके बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। सो फाइनली नीचे आ चुके हैं अपनी मंजिल पर, भाई अपने दो बंदे गुम हो गए, अब उनको ढूंढते हैं, हम तो पहुंच चुके नीचे, अब आराम से बैठ के फोन ऑन करते हैं उनको समझाते हैं कैसे आना है। खबर आई है 5 बंदे हमारे गायब है, 2 बंदे कहीं और पहुंच चुके हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, और 2 बंदे वो फोटो खिंचवा रहे थे, 3 बंदे तो लद्दाख में
और दो बंदे टिकटॉक बनाते बनाते भूटान में खो गए, वहाँ चले गए, उनकी गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी अभी कि उनको परमिशन देती है, अलाउड करती है नहीं देती। और बाकी हम चार पांच जने जितने भी हैं ये पहुँच चुके नीचे। सो होपफुली गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और जो अपने दो बंदे गुम हो गए थे भाई वहाँ पर, असली रियलिटी में गुम हो गए थे भाई, मजाक नहीं कर रहे, असलियत में गुम हो गए थे। और एक जो बंदा जो वीडियो शूट करवा रहा था अपनी होली होली भूल जावांगे, वो होली होली करते हुए नीचे आ गया पता नहीं कैसे। और जिसके साथ दूसरा जो उसकी वीडियो शूट कर रहा था वो असलियत में गुम हो गया था। वैसे तो दोनों ही गुम हो गए थे पर एक नीचे आ गया था और एक भाई टेंशन में हो गए थे भाई, मिल नहीं रहा मैं, ये फलाना डिमकाना फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा है, नेटवर्क भी नहीं आ रही, एक तो क्लियरिटी भी नहीं आ रही आवाज़ में, क्या बोल रहा है। फिर उसको कैसे कैसे समझाया कि भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ है, उसको देख के नीचे है थोड़ी, वहाँ पे ये पड़ा है, ऐसे हिंट हिंट दे दे के उसको नीचे बुलाया। तो वो यहाँ भी नहीं निकला जहाँ पे हम खड़े थे, वो निकला जहाँ पे मेन गेट था, जहाँ से मेन गेट था जहाँ से हमने ब्लॉग स्टार्ट करा था ना वहाँ पे मिला। तो ऐसा सीन हो गया था, बिल्कुल भसड़ मच चुकी थी और हम खुद टेंशन में हो गई थी भाई कहीं कोई गुम ना हो जाए। ऊपर से घर वालों का फ़ोन आ रहा था भाई कहाँ रह गए, जल्दी आओ, ये फलाना डिमकाना, तो उनको बता भी नहीं सकते भाई गुम हो गया बंदा ये फलाना। तो ऐसा सीन हो गया था, तो अंधेरा भी हो गया था। तो वहाँ पे मंदिर वगैरह भी हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि इस चीज़ों के कारण ये जो सीन हो सारा क्रिएट हो गया था उसकी वजह से। बाकी होपफुली जब भी दोबारा मैं वहाँ जाऊँगा तो आप लोग को एक प्रॉपर व्लॉग दिखाऊँगा दोबारा, एक वहीं का ही। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर, मंदिर वगैरह, भोले बाबा की मूर्ति, गौशाला वगैरह, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, व्यू भी बहुत एक नंबर। ये तो इस साइड का व्यूज था पहाड़ी वगैरह का, और दूसरा जो व्यूज़ है उधर भी एक नंबर व्यू है, पहाड़ी वगैरह है भी वहाँ भी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, आपको पसंद आएगी। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, तब तक के लिए जिसको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और जो जो नए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। तो मिलते हैं होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। अभी कुछ दिन तो ऐसी दिक्कत रहेंगी व्लॉग्स आने में क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह आ गए हैं बिल्कुल पास में ही, तो उसकी वजह से ये वीडियो मैंने बहुत टाइम निकाल निकाल के एडिट करा है। तो अप्रिशिएट करना मेहनत को, बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और मेरा व्लॉग देखते रहे। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गली ब्रो, साइनिंग आउट, बाय बाय।